नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिता DIY। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। हमारा फेवरेट त्यौहार है ये, सब हम सभी का फेवरेट त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में धरती पर जन्म लिया था। ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। वैसे तो पूजा में कितनी भी सामग्री जुटा लो तो भी कम है अगर आपकी पूजा में श्रद्धा कम है। फिर भी पूजन को विधि पूर्वक करने के लिए जान लेते हैं कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता इस पूजा में पड़ेगी। कान्हा जी के पूजन में खीरा को गर्भगृह के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए खीरा का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। फिर कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में विशेष रूप से घी, शहद, दही, दूध, शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें गंगा जल और गुलाब जल से स्नान करा करके अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ कर जनेऊ चढ़ाया जाता है। फिर नए कपड़े, उस दिन उनके लिए नए वस्त्र लाए जाते हैं। और भी जो श्रृंगार का सामान आप अपनी श्रद्धा से लाकर चढ़ा सके तो चढ़ाएं। बांसुरी और मोरपंख विशेष रूप से उन्हें अति प्रिय तो चढ़ाया जाता है। उसके बाद उन्हें झूले में विराजमान किया जाता है और झूला झुलाया जाता है। फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम सब लगा कर के तिलक किया जाता है। कदम के फूल उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। और भी फूल जो आप श्रद्धा से चढ़ाना चाहें ले सकते, चढ़ा सकते हैं। श्रीफल प्रसाद में चढ़ा करके और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई विशेष रूप से बनाई जाती है इस दिन। मिश्री और माखन तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माखन मिश्री का भोग लगाना तो अति आवश्यक होता है कान्हा जी की पूजा में। और आप आपकी श्रद्धा हो तो खीर का प्रसाद भी बना सकते हैं। और धनिया, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके उसकी पंजीरी विशेष रूप से बनाई जाती है। इस दिन आटे की पंजीरी नहीं बनाई जाती है। तुलसी दल और तुलसी की मंजरी विशेष रूप से इस पूजा में इस्तेमाल की जाती है। हर तरह के फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। फिर आरती की थाली सजा करके कान्हा जी की आरती की जाती है और अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर को जला करके पूजन किया जाता है। और इस तरह पूजा का विधि विधान से समापन किया जाता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगेगा क्योंकि जल्दी ही कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपको पूजन सामग्री जुटाने में ज़रूर मदद मिलेगी। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।